चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें एवरेज कंप्यूट करना सीखना है। जब मैं बात करता हूं एवरेज की, तो एवरेजेस जो हैं वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी सर? वन इज मैथमेटिकल एंड सेकेंड इज पोजिशनल। एवरेजेस हमारी दो तरह की होती हैं, वन इज मैथमेटिकल एंड सेकेंड इज पोजिशनल। मैथमेटिकल एवरेज हमारे पास फर्दर तीन तरह की होती हैं, वन इज अर्थमेटिक मीन, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। जबकि पोजिशनल एवरेज की अगर आप बात करते हैं, तो पोजिशनल एवरेज हमारे पास दो तरह की होती है, वन इज मीडियन एंड सेकेंड इज मोड। पोजिशनल एवरेज हमारी दो तरह की होती है, वन इज मीडियन एंड सेकेंड इज मोड। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इसके अंदर सीखनी है। सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन, जिसको हम बड़ा फ्रीक्वेंटली सिर्फ मीन भी बोल देते हैं। अगर मीन निकालने को बोला गया तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन। इसको निकालने के हमारे पास ब्रॉडली तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, द सेकेंड इज एज्यूम मीन मेथड एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तीन मेथड्स इसको कंप्यूट करने के हमारे पास होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की, कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट मेथड तीनों सीरीज के अंदर ये मेथड हमें पढ़ना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट मेथड में सपोज सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास x है 3 2 1 5 4, एक सीरीज x के पास 3 2 1 5 4। मीन निकालने का फॉर्मूला, पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से। मीन को फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x इज, आप x का सम करें 5 6 11 और 4 15। n स्टैंड्स फॉर, ये आपका आ गया सिग्मा x, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। आप देखेंगे तो टोटल 5 आइटम्स है, तो मीन आपका कितना आ गया? 3। तो दिस इज द मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज फ्रॉम द डायरेक्ट मेथड। अब अगर यही आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट। ध्यान से देखिए, एक्स एफ 3 2 5 7 4 1 3 2। आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें दो वेरिएबल हैं x एंड f। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है एफ एक्स, दोनों को इंटू करिए, 4 3 12 2 1 2 5 3 15 7 2 14। तो सबसे पहले आपको निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स निकालने के बाद आपको इसका सम निकालना है सिग्मा एफ एक्स, 14 14 और 14 28 28 और 15 43, और फिर आपको निकालना है सिग्मा एफ। अब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, 43 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 4.3। तो ये आपने मीन निकालना सीखा किस सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। उससे पहले आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए कंटिन्यूस सीरीज की अब हम बात करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम मीन किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, कंटिन्यूस सीरीज जो है वो लगभग लगभग डिस्क्रीट सीरीज जैसी ही निकलती है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20
20 से 30, 30 से 40. फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दी 3, 1, 2, 4. सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे. एक्स, एक्स इज व्हाट? एक्स इज मिड पॉइंट आपको निकालना है. मिड पॉइंट कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. नाउ 5, 15, 25, 35. आपने इसके मिड पॉइंट्स निकाल दिए सबके. अब देखिए f आ चुका और x आ चुका. जैसे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर x और f था, ऐसे ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में भी आपके पास f और x आ चुका है. तो अब आपको क्या निकालना है बताओ. गुड, एफ एक्स निकालेंगे 15, 15, 50, 140, 80 और 140, 220. सिग्मा एफ 10. मीन आ गया सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 220 डिवाइडेड बाय 10. मीन आपका कितना आ गया 22. तो दिस इज व्हाट योर कंटिन्यूस सीरीज. ठीक है जी. तो आपने देखा डायरेक्ट मेथड से हमने इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से मीन निकाला. अब हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज एज्यूम मीन मेथड. ध्यान से देखिए. नाउ वी आर मूविंग ऑन एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड, यही सारे क्वेश्चंस मैं आपको एज्यूम मीन मेथड से करवाऊंगा. ध्यान से देखिएगा एक एक प्लीज. सेम क्वेश्चंस रख रहा हूं मैं ताकि आप आंसर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. ये नोट कर लिया होगा आपने. एज्यूम मीन मेथड से देखते हैं. आइए, सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है. स्टेप वन, एज्यूम एनी नंबर एज एज्यूम मीन. किसी भी नंबर को आप एज्यूम मीन मान लो, किसी भी नंबर को जो आपका मन करता है आप उसको एज्यूम मीन मान लो. सपोज मैंने 2 को एज्यूम मीन मान लिया, वो आपके ऊपर है कि आप किसको एज्यूम मीन मानना चाहते हैं. ठीक है जी. इसके बाद आपको निकालनी है स्टेप 2 इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. आपको निकालना है डेविएशन किससे? एज्यूम मीन से. यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम मीन. सर डेविएशन क्या होती है बेटा? ध्यान से देखो बोर्ड पे, मैं आपको ये वर्ड समझाने जा रहा हूं. डेविएशन होता क्या है आपको ये वर्ड पता होना चाहिए. जब मैं बात करता हूं डेविएशन की, इसका मतलब होता है वेन अ पर्टिकुलर नंबर is subtracted from all the observations of the series, from all the observations of the series. जब कोई पर्टिकुलर नंबर, जब कोई पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है सीरीज की सारी ऑब्जर्वेशंस में से, उसे बोला जाता है डेविएशन. जैसे कि हमने क्या किया यहां पर, जो हमने एज्यूम मीन सोचा है जिसको मैंने ए बोला है, वो मैं सब में से माइनस कर देता हूं. दिस विल बी कॉल्ड एज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, माइनस 1, 3, 2. ठीक है जी. उसके बाद आपको लेना है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. 0 या आ गया 5 सिग्मा एक्स माइनस ए. स्टेप 3, दैट इज फाइंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. फाइंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. सम ऑफ डेविएशन आपको निकाला एज्यूम मीन से. ठीक है बेटा. अब आपका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए. इसमें आपका फॉर्मूला है यहां पर ए प्लस सिग्मा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन. ए प्लस सिग्मा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन. ए एज्यूम मीन क्या था बेटा आपका? 2. सिग्मा एक्स माइनस ए कितना है? 5. नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है आपकी? 5.
तो 2 + 1 ये आपका कितना आ गया 3, मीन आपका आ गया कितना बेटा 3, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज के केस में, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे किया जाएगा ध्यान से देखिए, अगेन सेम स्टेप, आप किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन मान लो, से मैं यहां पर 3 को एज्यूम मीन मान लेता हूं, एक्स में से आपने किसी एक को भी एज्यूम मीन मान लिया, अब आपको क्या करना है सेम एक्स माइनस ए, सबसे पहले 3 - 3 = 0, 2 - 3 - 1, 5 - 3 = 2, 7 - 3 = 4, तो सबसे पहले आपने निकाला डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, इसे एफ से इंटू कर देना है, जो आपने निकाला है इसको आपने इंटू कर देना है किससे, एफ से, तो 4 × 0 = 0 - 1 = 6 = 8, तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स माइनस ए, देखिए कितना आता है सर 13 आता है, ठीक है बेटा। यहां पर जो आपका फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब ध्यान से देखिए एज्यूम मीन आपका इसके अंदर हमने कितना लिया था सर, एज्यूम मीन हमने लिया था 3, सिग्मा एफ एक्स माइनस ए कितना है बेटा 13 और सिग्मा एफ 10, तो 3 प्लस 1.3 कम्स आउट टू बी व्हाट 4.3, तो ये आपने देखा डिस्क्रीट सीरीज के केस में कैसे हमने निकाला। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की, डेविएशन की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए कंटिन्यूस सीरीज के केस में हम देखते हैं कि किस तरीके से चीजें कंप्यूट की जाती हैं। देखिए हमारे पास यही सीरीज, सेम वे हमें क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट लेना है 5, 15, 25, 35, सेम स्टेप्स जो डिस्क्रीट सीरीज में लिए, मैंने इसको एज्यूम मीन माना, फिर x माइनस ए -10, 0, 10, 20, फिर f x माइनस ए -30, 0, 20, 80, क्या आ गया 70। इसके बाद मीन क्या आएगा आपका a प्लस सिग्मा f x माइनस ए डिवाइडेड बाय सिग्मा f, a इज 15, दिस इज 70, सिग्मा f इज व्हाट 10, 7, 15 प्लस 7, तो ये आपका कितना आ गया 22। तो आपने देखा एज्यूम मीन मेथड में किस तरीके से हमने मीन को कंप्यूट किया, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इसके बाद थर्ड मेथड, दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। बिफोर दैट आप एक बार फटाफट इसको सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, वो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई नहीं होता है। ऐसा क्यों सर, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, ध्यान से देखिए जरा एक एक चीज। यही क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आइए अब हम करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब क्या है ये स्टेप डेविएशन मेथड, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकाला सेम वे 5, 15, 25, 35, फिर हमने क्या किया किसी एक नंबर को एज्यूम मीन लिया। सर ये तो वही मेथड लग रहा है, हाँ जी लगभग लगभग आपको बहुत सिमिलर दिखेगा, आपको चेंजेस मैं बताऊंगा कहां है, ठीक है बेटा। इसको आपने नाम दिया D, क्या नाम दिया बेटा आपने इसको D। अब आपको निकालना है D डैश विच इज x माइनस a डिवाइडेड बाय i, मतलब आपको D डैश क्या है सिंपल वर्ड्स में D डिवाइडेड बाय i। सर i क्या है, i इज गैप बिटवीन इंटरवल, जो इंटरवल्स हैं इनके बीच का गैप 0 टू 10 के बीच, जैसे यहां पर माइनस 10 आया ये इसको 10 से डिवाइड किया -1, 0 से 10 0, 10 by 10 1, 20 by 10 2, तो ये आपका क्या आ गया d dash। अब आप निकालेंगे d dash f -1 × 3 - 3, 0 × 1 0, 1 × 2 2, 2 × 4 8,
तो ये आ गया आपका 7 विच इज सिग्मा डी डैश एफ. अब मीन जो है दैट इज ए प्लस सिग्मा डी डैश एफ बाय सिग्मा एफ इंटू आई. एज्यूम मीन है 15, दिस इज 7, सिग्मा एफ इज 10 इंटू आई. कितना है आपका बेटा 10, 10 से 10 गया तो आंसर क्या आ गया 22. तो आप देखो चाहे आप किसी भी मेथड से निकालें, डायरेक्ट से निकालें, आप स्टेप डेविएशन से निकालें, एज्यूमिंग आंसर सेम आता है और आपको समझ में आया होगा स्टेप डेविएशन मेथड यहीं क्यों अप्लाई होता है, क्योंकि वी नीड आई एंड आई इज नथिंग बट द गैप बिटवीन इंटरवल, और इंटरवल होते ही किस में है, कंटिन्यूस सीरीज में. इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में अप्लाई होता है और किसी में अप्लाई नहीं होता. तो ये आपने मेरे साथ बड़ी स्मॉल डिस्कशन करी ऑन द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ऑल द थ्री मेथड्स इन ऑल द टाइप ऑफ सीरीज दैट इज इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मीडियन की. ध्यान से देखिए, मीडियन जिसका मतलब होता है क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू, सबसे मिड में जो वैल्यू आती है उसको बेटा हम बोलते हैं क्या, मीडियन. अब ध्यान से एक एक चीज आपको समझनी है. लुक एट द बोर्ड, कैसे निकाला जाता है. सपोज एक सीरीज एक्स है 8, 7, 3, 2, 15, 17, 20, ये हमारे पास एक सीरीज है. अब हमें इसमें मीडियन निकालने को बोला गया, तो स्टेप वन आपको सीरीज को अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपके ऊपर है. बट सबसे पहला स्टेप क्या है हमेशा, दैट इज टू अरेंज द सीरीज. स्टेप वन इज अरेंज द सीरीज, आपको हमेशा सीरीज को सबसे पहले अरेंज करना है. तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर मैंने लिया 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 15, फिर 17 और फिर 20. ठीक है जी, मैंने सीरीज को अरेंज किया. अब इसके बाद फॉर्मूला होता है बेटा n प्लस 1 बाय 2th टर्म, n प्लस 1 बाय 2th टर्म. अब ध्यान से देखिए कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 टर्म्स हमारे पास टोटल हैं. तो देखिए 7 प्लस 1 बाय 2 तो 8 बाय 2, ये आपका क्या आ गया, फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ टर्म आपकी आ गई. नाउ तो ये जो फोर्थ टर्म आपकी आई है इसी को बेटा हम बोलते हैं क्या, मीडियन. समझ में आ गया. तो यू विल राइट डाउन व्हाट इज योर मीडियन, द मीडियन इज 8. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिए. अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं. सपोज देयर इज अनदर क्वेश्चन 3, 9, 11, 8, 15, 7. अब ध्यान से देखिए, आपके पास एक सीरीज x है, सेम स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो दैट इज टू अरेंज द सीरीज. नाउ लेट्स अरेंज द सीरीज. अरेंज करते हैं हम सीरीज को, सबसे पहला क्या आएगा आपका 3, फिर क्या आएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11 और फिर 15. 3, 7, 8, 9, 11, 15. नाउ द फॉर्मूला इज अगेन सेम, n प्लस 1 बाय 2th टर्म. नाउ n इज व्हाट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लस 1 बाय 2 सो कम्स आउट टू बी 3.5th टर्म. नाउ 3.5th टर्म हाउ टू राइट दिस, सी बहुत आराम से इसे समझिएगा, आगे बहुत जगह काम आना है प्लीज. 3.5 है तो जो डेसिमल से पहले है उसको आप लिखोगे एज इट इज थर्ड टर्म. जो डेसिमल से पहले है आपने उसको क्या लिखा, थर्ड टर्म. बीच में डाला प्लस का साइन, समझ में आया, डेसिमल से पहले जो है वो आपने लिखा. अब आपने लिखा जो डेसिमल के बाद था 0.5. अब आप बताओ थर्ड टर्म से जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है बेटा वो कौन सी होती है, सर फोर्थ टर्म. तो आपने इसे लिखा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. दोबारा रिपीट करो ध्यान से देखो. सपोज आपके पास होता 6.28th टर्म, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं ध्यान से देखिए. तो आप इसे कैसे लिखते, डेसिमल से पहले 6 है,
सिक्स्थ टर्म, फिर क्या लिखते प्लस 0.28, फिर इसके बाद क्या लिखते सेवेंथ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म, ऐसे ही लिखते वेट. सपोज आपके पास है 7.15 टर्म, तो आप इसे कैसे लिखते बताओ, सेवेंथ टर्म प्लस 0.15, सेवन से अगली टर्म कौन सी होती है एट्थ टर्म माइनस सेवेंथ टर्म. समझ में आपको कैसे लिखना है, सिंपल है, डेसिमल से जो पहले वो एज इट इज, फिर प्लस करके डेसिमल, फिर उससे अगली टर्म माइनस सेम टर्म. चलिए, तो ये तो अभी मेरे काम का नहीं था, तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया. आइए यहां पर थर्ड टर्म प्लस 0.5, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म. अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द थर्ड टर्म हेयर सर 8, 0.5, व्हाट इज द फोर्थ टर्म हेयर सर 9, एंड व्हाट इज द थर्ड टर्म अगेन सर 8. सो 8 प्लस 0.5 1, दिस कम्स आउट टू बी 8.5. सो दिस इज योर मीडियन, होपफुली यू आर गेटिंग दिस. आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करना है और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से हमको मीडियन निकालना है. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज में, ये भी आपने देखा कैसे मीडियन निकालना है. अब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट. आइए डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करते हैं, एक्स एफ 3, 8, 7, 9, 2, 11, 4, 3, 2, 1, 5, 7, 3. ध्यान से देखिए, आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज है. स्टेप वन इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज टू अरेंज द सीरीज. स्टेप वन में आपको सीरीज को अरेंज करना है. आइए अरेंज करते हैं, एक्स एफ सबसे पहले छोटी टर्म क्या है 2. अब जब आप इसे अरेंज कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है, जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने आएगी. जैसे यहां पर आपने 2 लिखा, तो 2 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो वो आप उसके साथ लिखोगे. ये ना हो कि आपने एक्स को अरेंज कर दिया और एफ को उसके साथ लिखना भूल गए, वो क्वेश्चन आपका गलत कर देगा. आपने सबसे पहले 2 लिखा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7, फिर आपने क्या लिखा 3, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4, फिर आपने लिखा 7, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2, फिर आपने लिखा 8, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, फिर आपने लिखा 9, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5, फिर आपने लिखा 11, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3. तो आपने सबसे पहले सीरीज को क्या किया अरेंज. अब क्या करना होता है इसमें बेटा, ध्यान से देखिए, आपको निकालना होता है CF. सर CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है बेटा, आप इसको जोड़ते जाओ तो CF आ जाता है 7, 7 और 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 21 और 24. ठीक है, आप देखेंगे जो भी CF का एंड में आता है वही हमेशा F का टोटल होगा, 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16 और 5 21 और 3 24. ठीक है बेटा, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे. अब यहां फॉर्मूला अगेन n प्लस 1 बाय 2th टर्म. बेटा n जो है यहां पर दैट इज सिग्मा F, एक ही बात होती है. नाउ 24 प्लस 1 बाय 2 25 बाय 2 That is 12.5th term. अब आप देखो 12.5 बड़े रिलैक्स हो गए. 12.5 आपको CF में चेक करना है, 7, 11, 13, 16. सर 11 से 13 के बीच में 12.5 आता है, कोई थॉट नहीं है इसके अंदर हमारे पास. सेकेंड 12.5 जो है दैट लाइज बिटवीन 11 एंड 13. तो आपने क्या करना है, आपने इसको सर्कल कर दिया. 11 से 13 के बीच में आपका 12.5 आता है, तो आपने इसको सर्कल कर दिया और जो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स दिख रहा है ये आपका मीडियन है. तो यहां बेटा मीडियन आपका कितना आ गया 7. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले सीरीज को अरेंज किया था. अरेंज करते हुए किस बात का ध्यान रखा कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ साथ आए, जैसे 2 के साथ 7, 3 के साथ 4, 7 के साथ 2,
फिर आपने CF निकाला 7 और 4 11 और 2 13 3 16 5 21 और 3 24। फिर आपने क्या किया, n+1/2 n = 24 12.5। दिस वी हैव टू वेरीफाई, ये हमें किसमें वेरीफाई करना है, ये हमें चेक करना है किसके अंदर सर, ये हमें चेक करना है CF में। तो हमने CF में देखा 12.5 11 से 13 के बीच में आता है, या आपने सर्कल किया तो मीडियन आपका कितना आ गया 7। तो आपको समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज में हमने किस तरीके से मीडियन कंप्यूट किया है, ठीक है जी। कंटिन्यूस सीरीज थोड़ा तरीका अलग है, फॉर्मूला वाइड है, ध्यान से देखिएगा। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40, फ्रीक्वेंसी 3 2 4 1, मैंने आपको दे दी फ्रीक्वेंसी 3 2 4 1। अब ध्यान से देखें, सेम स्टेप, सबसे पहले CF निकालिए 3 5 9 10। यहां बेटा फॉर्मूला n बाय 2 है, ये बात ध्यान रखना, गलती से भी एरर मत कर देना। मैं ट्रिपल स्टार बना देता हूं, चलो 5 स्टार बना देता हूं, बट गलती मत करके आना, n बाय 2 है। जोश जोश के अंदर आप n+1 लगा के आ जाते हो यहां, तो 10/2 टर्म, तो दिस कम्स आउट टू बी 5th टर्म। अब 5th आप चेक करो, यहां आ गया आपका CF में, आपने चेक किया इसको वेरीफाई इन CF, ठीक है। अब आपके पास ये आ चुका, अब ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला इसका है आपका मीडियन का L+n/2 -CF(P)/F(I). अब ये क्या है सारी चीजें ध्यान से देखिए बेटा, L का मतलब है इसमें लोअर लिमिट, जो भी आपने इंटरवल सिलेक्ट किया है उसकी लोअर लिमिट है L, जो कि यहां पर है 10। n बाय 2 आपने कंप्यूट किया है, जो कि आपका कितना आया 5। CF(P) दैट इज प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपने एक इंटरवल सिलेक्ट किया है उससे पिछला जो CF है, इसको मैं बोलूंगा आपने ये सिलेक्ट किया ना, ये आपका CF(P) है, तो आपका CF(P) यहां पर कितना आ जाता है 3, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कितनी है, आई इज गैप बिटवीन इंटरवल, अभी हमारी पिछली वीडियो में भी कुछ डिस्कशन हुई थी, वो कितना है आपका यहां पर 10। तो नाउ जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर 10+5 -CF(P) दैट इज 3। F इज व्हाट, I इज 10, तो 10 प्लस ये आपका कितना आ गया, तो मीडियन यहां पर आपका कितना आ जाता है 12 आ जाता है। तो आपने देखा कि हमने मीडियन किस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज में निकाला, सबसे पहले CF, फॉर्मूला मेन n बाय 2 आपको याद रखना है, फिर CF में चेक किया, वट एवर द इंटरवल वी आर सिलेक्टिंग उसमें फॉर्मूला लगा L+n/2 -CF(P)/F(I), सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी और मीडियन हमारे पास आ गया 12। तो ये आपने देखा कि मीडियन हम किस तरीके से निकालते हैं। चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं मीडियन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, कि डायग्राम की हेल्प से हम मीडियन कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मीडियन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अब ध्यान से देखिए एक एक चीज। सपोज आपके पास एक सीरीज है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 3 4 2 1 5, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज में। कैसे, मैंने क्या बोला, स्टेप वन, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लेस देन सीरीज में। देखिए लेस देन सीरीज जो है वो हमारी बनती है विद द हेल्प ऑफ अपर लिमिट, मतलब सर देखिए सबसे पहले आपने लिखा लेस देन 10, फिर आपने लिखा लेस देन 20, फिर आपने लिखा लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो लेस देन सीरीज आपने लिखी 10 20 30 40 50, ठीक है जी।
अब आपको इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। लेस देन सीरीज जो होती है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली सीएफ निकाल देना। 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया आपका 15। तो सबसे पहले आपने एक लेस देन सीरीज बनाई। लेस देन सीरीज कैसे बनती है हमारी, विद द हेल्प ऑफ दी अपर लिमिट, पहली चीज आपको समझ में आ गया, और फ्रीक्वेंसी हम उसकी कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। इसके बाद आपको बनानी है मोर देन सीरीज। क्या बनानी है आपको, मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज बेटा जो बनती है वो बनती है विद द हेल्प ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट की हेल्प से आप मोर देन सीरीज बनाते हो, जैसे 0, 10, 20, 30, 40 है, तो आपने लिखा मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए आपको नीचे से सीएफ निकालना है, नीचे से सीएफ निकालना है। तो आपने कैसे लिखा, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15। तो आपने मोर देन सीरीज के लिए, मोर देन सीरीज जो है वो किससे बनानी है, विद द हेल्प ऑफ दी लोअर लिमिट्स, और उसका एफ कैसे लिखना है, नीचे से हमने सीएफ लिखा 5 और 1 6 2 8 4 12 और 3 15, ठीक है जी। अब हम इसको प्लॉट करेंगे एक डायग्राम पे, ध्यान से देखिए। y x क्लास इंटरवल और उसके बाद फ्रीक्वेंसी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम 15 तक जा रही है, 1, या मैं इसे 2 के गैप पे ले लेता हूं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ध्यान से देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेस देन, लेस देन 10, 10 पे कितना है बेटा 3, 10 पर आपका पॉइंट है 3, मतलब 2 और 4 के बीच में 3 आएगा 10 पे। आप सारे पॉइंट्स प्लॉट करिए, 20 पे कितना है आपका 7, 20 पे कितना है 7, तो 20 पे आपने प्लॉट किया 7, 8 और 6 के बीच में आएगा। फिर आपका 30 पे कितना है 9, 30 पे आपका कितना है 9, फिर 40 पे आपका कितना है 10, 40 पे आपका यहां आ रहा है, ठीक है। फिर 50 पे आपका कितना 15, 50 पे 15, ठीक है जी। अब ये सारे पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड से। ये जो आपने डायग्राम बनाया इसको हम बोलते हैं लेस देन ओजाइव। क्या बोलते हैं हम इसको, लेस देन ओजाइव, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको बनाना है मोर देन ओजाइव। अच्छा, लेस देन ओजाइव कैसा होता है, यू विल से इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये आपसे एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब मोर देन की बात करते हैं, जीरो पे, जीरो पे आपका कितना है 15, 10 पे कितना है आपका 12, 20 पे आपका कितना है
8 30 पे आपका कितना है 6 40 पे आपका कितना है 5 चलिए अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए फास्ट तो ये जो आपके पास पॉइंट्स आए ये जो डायग्राम आया इसको हम बोलते हैं मोर देन ओजाइव जिसकी शेप कैसी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसी शेप है डाउनवर्ड स्लोपिंग अब हमें क्या करना है सर जहां पर ये लेस देन और मोर देन ओजाइव दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक स्ट्रेट लाइन आप नीचे ले आओ ये पॉइंट आया आपका ये आपका आता है मीडियन लगभग 23 मीडियन हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैसे निकालते हैं कैन आई से इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव रिप्रेजेंट्स मीडियन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव का वो रिप्रेजेंट करता है किसको मीडियन को बात समझ में आ गए तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अपना मीडियन निकाल सकते हैं इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए फास्ट चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पार्टीशन वैल्यूज पार्टीशन वैल्यूज क्या होती हैं ध्यान से देखिए सबसे पहले क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है क्वार्टाइल्स का मतलब होता है किसी भी एक सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना टू डिवाइड द सीरीज इंटू फोर इक्वल पार्ट्स टू डिवाइड द सीरीज इंटू फोर इक्वल पार्ट्स सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना अब ध्यान से देखिए सपोज आपके पास एक रस्सी है रोप है और आपको इसे चार बराबर हिस्सों में काटना है तो अगर आपको इसे चार बराबर हिस्सों में काटना है तो आप कितने कट लगाएंगे बट ऑब्वियस है अगर इसे चार हिस्सों में काटना है बराबर तो हम तीन कट लगाएंगे एक दो और तीन क्योंकि जैसे ही तीसरा कट लगाएंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे ही क्योंकि क्वार्टाइल्स में हम किसी भी सीरीज को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्वार्टाइल्स हमारे पास तीन होते हैं Q1, Q2, Q3 Q1, Q2 एंड Q3 अब आपने इसे चार बराबर हिस्सों में बांटा तो हर हिस्सा कितनी परसेंट आइटम दिखा रहा है 25% कितनी 25% तो Q1 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट 25% आइटम्स ये भी 25 है अब Q2 जब आप Q2 तक आ जाते हैं तो 25 ये कितना हो गया फर्स्ट 50% आइटम्स Q3 पर आप आ गए 25 25 25 तो फर्स्ट 75% आइटम्स ठीक है जी सेम वे हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिसाइल्स का डिसाइल्स क्या होता है डिसाइल्स बेसिकली होता है टू डिवाइड द सीरीज इंटू 10 इक्वल पार्ट्स टू डिवाइड द सीरीज इंटू 10 इक्वल पार्ट्स जैसे ग्रुप है
अब आपको अगर इसे 10 पार्ट्स में बांटना है तो आप कितने कट लगाएंगे? 9 लगाएंगे, D1, ऐसी डिसाइल भी 9 है हमारे पास, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9. अब इसमें ये जो हर पार्ट है ये कितनी कितनी आइटमें दिखा रहा है? अगर पूरी सीरीज 100% है और आपने उसे 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट 10% आइटम्स दिखा रहा है. तो D1 क्या है आपका? फर्स्ट 10% आइटम्स. D4 क्या है बताओ? फर्स्ट 40% आइटम्स. D7 क्या हुआ? फर्स्ट 70% आइटम्स. ठीक है, चलिए. सेम वे हमारे पास होता है परसेंटाइल्स. परसेंटाइल्स क्या होता है? टू डिवाइड द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. सीरीज को 100 बराबर हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है? परसेंटाइल्स. अब परसेंटाइल्स हमारे कितने होंगे? फिर कितने होंगे बताओ? अगर 100 पार्ट्स में बांटना है 99, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं P1 का मतलब क्या है? फर्स्ट 1% आइटम. मैं पूछूं P7 का मतलब क्या है तो आप कहोगे फर्स्ट 7% आइटम. चलिए, अब ये क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल हमें समझ में आ गए कि क्वार्टाइल होता है किसी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना, और क्वार्टाइल होंगे हमारे 3, Q1, Q2, Q3. डिसाइल होता है किसी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटना, और हमारे डिसाइल्स कितने होंगे? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. और परसेंटाइल इज 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और हमारे परसेंटाइल्स कितने होंगे? 99. अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं. उससे पहले आप एक बार इसे नोट कर लो सारा का सारा. अब हम ये देखेंगे कि जो भी परसेंटाइल डिसाइल क्वार्टाइल है इसको हम कंप्यूट किस तरीके से करते हैं. चलिए, क्वार्टाइल परसेंटाइल और डिसाइल को कंप्यूट करने के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसको आप पहले नोट डाउन करेंगे, फिर हम एक एक करके सब पे क्वेश्चन देखेंगे. देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारा क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल कैसे निकलता है. क्वार्टाइल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म. डिसाइल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय टेंथ टर्म, जबकि परसेंटाइल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1 बाय 100th टर्म. और सबके साथ मैंने लगा दिया k. अब ये क्या है ध्यान से देखिए, क्वार्टाइल में हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4, तो मैंने यहां डिवाइड बाय 4 किया. डिसाइल में हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 10, तो मैंने डिवाइड बाय 10 किया. परसेंटाइल में हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 100, तो हमने क्या किया? डिवाइड बाय 100. अब आपको पता है क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? 3, Q1, Q2, Q3. तो K की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी. डिसाइल्स हमारे पास कितने होते हैं? D1, D2, D9 तक. तो ऐसी K की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3 up to 9. परसेंटाइल्स कितने होते हैं? 99 तक. तो सेम वे K की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 up to 99. नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंप्यूट किस तरीके से होगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल, 3, 4, 8, 7, 6, 15, 11, 10. हमारे पास एक सीरीज है 3, 4, 8, 7, 6, 15, 11 एंड 10.
देखिए सबसे पहला स्टेप पार्टीशन वैल्यू का कि आपको सीरीज को अरेंज करना है। अब अरेंज चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हमने सीरीज को अरेंज किया x, सबसे पहले क्या आया 3, फिर उससे बड़ी टर्म क्या है 4, फिर उससे बड़ी टर्म 6, फिर उससे बड़ी टर्म 7, फिर उससे बड़ी टर्म 8, फिर उससे बड़ी टर्म 10, फिर 11, फिर 15। बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हमने सीरीज को अरेंज किया, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा एंड सो ऑन। अब सपोज इस क्वेश्चन में आपको निकालना है Q3, D5 और P20। ये तीन चीजें आपको निकालनी है, Q3, D5 एंड P20। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले Q3, इसको बंद कर दूं मैं इसे। आइए सबसे पहले Q3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया, K क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4। K की वैल्यू क्या होगी यहां पर बताओ। K मैंने क्या बताया था आपको कि कौन सा क्वार्टाइल निकालना है, कौन सा क्वार्टाइल निकालना है आपको यहां पर थर्ड, तो K की वैल्यू क्या होगी 3 n 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लस 1 बाय 4 तो 3 9 4, 27 बाय 4, सो ये आ गया आपका 6.75th टर्म। क्या आ गया 6.75th टर्म। अब मैं आपको इसे लिखना सिखा चुका हूं मीडियन के अंदर की हम इसे कैसे लिखते हैं बताओ। जो डेसिमल से पहले है 6th टर्म प्लस 0.75, 6th टर्म से नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, वेरी गुड, 7th टर्म माइनस 6th टर्म। नाउ सी द 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ 10 प्लस 0.75, 7th टर्म इज 11, 11 माइनस 10 तो ये आया 10 प्लस 0.751 दैट इज 10.75। ठीक है, ये आपने निकाला Q3। चलिए अब इसके बाद हम निकालते हैं D5। D5 K n प्लस 1 बाय 10 टर्म। अब यहां पर K की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बताओ 5, क्योंकि हमें फिफ्थ डिसाइल निकालना है। n कितना है हमारे पास 8 प्लस 1 बाय 10 तो 5 9 10, यह आया आपके पास कितना 4.5th टर्म। कैसे लिखेंगे बताओ, 4th टर्म प्लस 0.5 ऑफ 5th टर्म माइनस 4th टर्म, 4th टर्म प्लस 0.5 ऑफ 5th टर्म माइनस 4th टर्म। अब जो 4th टर्म है वो आपकी कितनी है 7 प्लस 0.5, 5th टर्म कितनी है 8 माइनस 7, 7 प्लस 0.5 1 तो आ गया आपका कितना 7.5। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है P20। चलिए पहले आप इसे जरा इतना नोट कर लो फास्ट, P20 के लिए क्या फॉर्मूला है K n प्लस 1 बाय 100। K क्या होगा यहां पर 20, n क्या है 8 प्लस 1 बाय 100, 5 9 बाय 5, 1.8th टर्म। कैसे लिखेंगे इसे, फर्स्ट टर्म प्लस 0.8 ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3 प्लस 0.8, 4 माइनस 3 तो 3 प्लस 0.8 ऑफ 1 ये आ गया आपका 3.8। तो बेसिकली ये आपने मेरे साथ सीखा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कि किस तरीके से हम क्वार्टाइल डिसाइल या परसेंटाइल को कंप्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे
बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ये किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। पहले आप इसे नोट करिए यहां तक फास्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं अब डिस्क्रीट सीरीज का। देखिए जब मैं बात करता हूं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर पार्टीशन वैल्यूज निकालने की, तो जो मेरे फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे सेम हैं। जो इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले मैं फॉलो करता हूं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो भी आपको सॉल्व करने पर आएगा दैट विल बी वेरीफाइड इन सीएफ। अब ये क्या है वेरीफाइड इन सीएफ, ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करें। सपोज हमारे पास सीरीज x एंड f गिवन है 3, 8, 7, 9, 4, 11, 2, 3, 1, 4, 5, 6। यह हमारे पास एक सीरीज गिवन है। सबसे पहला स्टेप सेम कि हमें सीरीज को क्या करना है, अरेंज करना है। अब जब मैं बोलता हूं कि हमें सीरीज को अरेंज करना है, सबसे छोटा टर्म क्या है 3, उसका फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखना है 2, फिर क्या है 4, 4 की फ्रीक्वेंसी 5। ये बात ध्यान रखना, यू आर अरेंजिंग द सीरीज नॉट द फ्रीक्वेंसीज। जब आप सीरीज अरेंज कर रहे हो तो जो भी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने। फिर क्या आएगा आपका 7, 7 का 1, फिर 8, 3, 9, 4, 11, 6। ठीक है जी। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है Q1, D6, P90। ये तीन चीजें आपको इसके अंदर निकालनी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम 2, 2 प्लस 5, 7, 7 प्लस 1, 8, 8 प्लस 3, 11, 11 प्लस 4, 15, 15 प्लस 6, 21। अब जो F का सम है सिग्मा F, जिसको हम N भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी कितना आएगा 21 करके देख लीजिए। जो CF का लास्ट होता है वही हमारा सिग्मा F होता है या N होता है, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। चलिए अब हम आगे अगर बात करें, सबसे पहले हमें क्या निकालना है Q1 K n plus 1 by 4th term, जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है कि यहां पर जो है क्या है हमारे पास 1, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है ना, n रेफर्स टू द सिग्मा f, n क्या है आपका सिग्मा f, 21 plus 1 by 4, तो 22 by 4, 5.5th term, 5.5th term। अब 5.5 ये जो हमारे पास आया इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 5.5 कैसे देखेंगे हम, 5.5 सीएफ में आप चेक करो किसके बीच में आता है, 5.5 जो है वो आता है बिटवीन 2 एंड 7। जैसे आप मीडियन के अंदर करते हैं सेम वे करना है, 5.5 किसके बीच में आता है बिटवीन 2 एंड 7। तो यहां पर जो आपका मैंने 5.5 है ये मैंने किसमें वेरीफाई किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी आएगा उसको हमें सीएफ में चेक करना है। तो आप कहेंगे कि आपका जो Q1 है, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग आपने सर्कल किया इसमें जो X है वो आपका क्या है Q1। इसके बाद अगर मैं बात करूं D6 की, तो D6 इज K n plus 1 by 10th term, K इज 6, n इज 21 plus 1 by 10, तो 6 into 22 by 10, 132 by 10, सो दिस विल बी 13.2। अब आप देखिए 13.2 किसके बीच में आता है, 13.2 लाए करता है बिटवीन 11 एंड 15, 11 से 15 के बीच में आएगा 13.2। तो यहां पर जो हमारा D6 है, जो D6 हमारा है यहां पर, D6 हमारा कितना होगा 9, जो हमारा D6 है वो कितना होगा यहां पर 9। नाउ प्लीज, तो
D6 हमने निकाल लिया, अब आगे हम बात करते हैं P90 की, कि P90 कैसे निकलेगा। P90 के एन प्लस वन बाय 100th टर्म, K कितना है आपका 90, N कितना है आपका 21 प्लस 1 बाय 100, तो 90, 22, 100, इसको सॉल्व करिए, 90 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आता है 19.8। अब 19.8 किसके बीच में आएगा, 15 से 21 के बीच में, 15 टू 21 के बीच में ये आएगा। तो बेसिकली जो आपका P90 है दैट विल बी, तो आपने देखा कि बेसिकली जो हमारे डिस्क्रीट सीरीज है फॉर्मूला सेम है जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में किया था, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहां जो आंसर आता था हम उसे स्प्लिट करके लिखते थे और फिर सॉल्व करते थे, और यहां पर जो भी आंसर आ रहा है उसको हम सीधे CF के अंदर चेक करें और कॉरेस्पॉन्डिंगली अपना आंसर लिख रहे हैं। तो ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पे, दैट इज द कॉन्टिन्यूस सीरीज। उससे पहले आप ये सारा एक बार नोट कर लें। चलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज, देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जब मैं बात करता हूं तो फॉर्मूले में हल्का सा एकदम चेंज आता है, और वो चेंज क्या आता है ध्यान से देखिए, ये जो आपका प्लस वन है ना ये नहीं आता, सिर्फ इट विल बी एन, एन बाय फोर, एन बाय टेन, एन बाय हंड्रेड, सिर्फ एन ये आपके पास रहेगा, बाकी सब कुछ सेम। और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इससे हम बेसिकली क्लास इंटरवल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, क्या है वो, ध्यान से देखिए, एल प्लस के एन बाय फोर माइनस सी एफ ऑफ पी अपॉन एफ इंटू आई। अगर याद करें आप तो सेम फॉर्मूला जो मीडियन में आपने किया था, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहां पर आप n बाय टू नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, के एन बाय फोर। सेम फॉर्मूला यहां पर, l प्लस के एन बाय टेन माइनस सी एफ ऑफ पी अपॉन एफ इंटू आई, और सेम फॉर्मूला वहां पर, l प्लस के एन बाय हंड्रेड माइनस सी एफ ऑफ पी अपॉन एफ इंटू आई। अब ये क्या है, कैसे निकलेगा, किस तरीके से होगा, सब बता रहा हूं, थोड़ी सी शांति रखो, आओ स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फ्रीक्वेंसीज हैं 4, 3, 2, 1, ठीक है जी। चलिए मैंने आपको बोला कि हमें निकालना है Q1, D7, P90, ये तीन चीजें हमें इसके अंदर निकालनी है। चलिए Q1, D7 एंड P90, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। सबसे पहले Q1 के लिए KN by 4, K क्या है 1, N का मतलब है इसका टोटल कितना 10 by 4 2.5th term। अब CF 4 437, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब ये जो 2.5 आपके पास आया इसको आप सबसे पहले चेक करेंगे CF के अंदर। ये जो आपके पास 2.5 आया इसको आप किस में चेक करेंगे, CF में। तो आप देखो सबसे पहले उसमें ही आ रहा है 4 है, इसी के अंदर लाई करेगा ये, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन वाला, लोअर लिमिट क्या है यहां पर 0, के एन बाय 4 कितना आया 2.5, ये आपने सॉल्व कर लिया है, माइनस सी एफ ऑफ पी, क्या मतलब होता है सी एफ ऑफ पी का, याद करो बेशर्मो, सी एफ ऑफ पी का मतलब मीडियन में सिखाया था जो इंटरवल सिलेक्ट किया उसका प्रीवियस, उसका पिछला सी एफ, जो कि कुछ भी नहीं है, तो हम इसे क्या ले लेंगे 0। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी,
उसी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी है आपकी 4। आई आई है बेसिकली इंटरवल्स के बीच का गैप जो कि कितना है 10। तो यह है आपका 2.5। तो 2.5 into 2.5 यह आ गया आपका 6.25। तो ये आपने निकाला क्या Q1। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं D7 पे। के एन बाय टेंथ टर्म 7, एन कितना है 10 बाय 10। ओह ये तो पूरा ही कट गया, वेरी गुड। सेवेंथ टर्म, अब जो 7 है वो देखो सीधा सीधा हमारा इंतजार कर रहा है, बाहें फैलाए, सेवेंथ टर्म, ठीक है यहां 7 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, एल प्लस के एन बाय टेन माइनस सी एफ ऑफ पी अपॉन एफ इंटू आई। एल 10 प्लस ये कितना आएगा 7, इसका प्रीवियस सी एफ कितना है 4, एफ उसी इंटरवल का कितना 3, और आई जो है दैट इज द गैप कितना है 10। तो 10 प्लस 3 बाय 3 इंटू 10 तो ये आपका कितना आ गया 20। D7 भी आपने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं P90 की। P90 इज K n बाय 100th टर्म, 90 n इज 10 100। तो क्या आ रहा है ये सॉल्व करने पे, 9th टर्म। अब आप देखो 9th टर्म वो भी बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रही है 9। अब L कितना है 20, ये 9, इसका प्रीवियस सी एफ 7, एफ कितना है 2, आई कितना है 10 5। तो 20 प्लस 2 5, 20 प्लस 10 ये कितना आ गया 30। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम बेसिकली क्वार्टाइल्स निकालते हैं, तीनों सीरीज क्वार्टाइल्स डिसाइल्स और परसेंटाइल्स निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोड। आइए देखते हैं क्या होता है मोड। बेटा मोड का मतलब होता है नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो रिप्रेजेंट करता है मोड। ध्यान से देखिए, जैसे एक इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल सीरीज में x 2 3 4 3 2 4 5 5 5 6 7 7 5 5 5 अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, सर सबसे ज्यादा बार आ रहा है 5। तो मोड जो है आप देखो वो क्या कहलाएगा 5। आप देखो 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है 6 बार, तो वो आपका मोड है, खत्म है सर इतना आसान। जी हाँ, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं मोड, या मोड का ही दूसरा नाम होता है, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, मोडाल। मोड या मोडाल एक ही बात है, ठीक है जी। आइए इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें, डिस्क्रीट सीरीज एक्स एफ 10 9 7 11 15 3 2 5 9 11। अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सर 11, 15 की फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें मोड आपका कितना आ गया बेटा 15। जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसकी 3 है 2 5 9 11, इसकी फ्रीक्वेंसी 11 है, तो मोड आपका क्या आ गया 15, नंबर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं, बड़ा मजाकिया टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है वैसे, खामा खा मेहनत करवा रहे हो मेरे से, चलो कुछ नहीं होता कर लेंगे, आप बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4 7 9 2 1, ठीक है ये आपके पास है। अब बताओ सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9। तो आपने ये इंटरवल सिलेक्ट किया। अब ध्यान से देखिए मोड कैसे निकलता है, यहां पर फॉर्मूला क्या है उसका, उसका फॉर्मूला है L प्लस
f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इन टू आई सर। ये क्या है सर, ध्यान से देखिए, जो आपने इंटरवल सेलेक्ट किया है इसको बोला जाता है f1, इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो इससे नेक्स्ट हुई f2 और इससे पहले वाली हुई f0। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, लोअर लिमिट इज 20, f1, f1 कितना है 9, इससे पहला f0 कितना है 7, 2 इंटू 9 माइनस f0 f2, I इज गैप बिटवीन तो 20 प्लस 2 बाय 9 इंटू 10, 20 प्लस 20 बाय 9, 20 प्लस 2.2, तो ये आ गया 22.2 आपका मोड। समझ में आई बात? तो इसमें भी कुछ नए मंत्र नहीं मारने, बहुत सिंपल सा था। हमने क्या किया, आपके सामने सारी चीजें, हाईएस्ट वाले को सिलेक्ट किया, फिर एक सिंपल से फॉर्मूले में दैट इज 12 प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू i में हमने फिगर्स पुट करी और हमारे पास मोड आ गया 22.2। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हम ये मोड निकालते हैं। इसी के साथ आपको मैं यहां पर एक बात और भी बता दूं, इसे आप नोट करिए फटाफट। ये मोड जो आपने निकाला है ये आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम भी आप मोड निकाल सकते हैं। अब सर विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम किस तरीके से मोड निकलता है, ध्यान से एक एक चीज बोर्ड पे देखनी है। इसी को मैं लेता हूं, y, x, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है बेटा। 0 से 10 सबसे पहले, 0 से 10 पे फ्रीक्वेंसी है 4, आपने क्या किया, एक हिस्टोग्राम बनाया 0 से 10 पे, 10 से 20 पे सर फ्रीक्वेंसी है 7, 7 पे, फिर 20 से 30 पर है 9, थर्टी से 40 पर कितनी है 2, ठीक है, 40 से 50 पर कितनी है 1, 40 से 50 पर कितनी है 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपने हिस्टोग्राम बना दी जिसमें ये 4 दिखा रहा है, ये 7, ये 9, ये 2 और ये 1। अब आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर हिस्टोग्राम आपको दिख रहा है उसके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है और ऐसे ही इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे ज्वाइन करना है, ठीक है। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन लेकर आओगे। सबसे पहले आपको यह समझ में आया, जो लॉन्गेस्ट हिस्टोग्राम है उसके इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, और जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन लेकर आओगे और ये जो पॉइंट आया आपका जो कि लगभग वही दिखा रहा है 22.2, वो आपका क्या गया मोड। डायग्राम में एग्जैक्ट निकाल पाना मुश्किल हो जाता है अंटिल लेस हम पे प्रॉपर ग्राफ पेपर ना हो, हमें एक अप्रॉक्स बेसिस पे ही निकालना पड़ता है। यहां तो मैंने मैथमेटिकली जो निकाला था वही लिख दिया, चाहे आप डायग्राम से निकालो चाहे फॉर्मूले से, आंसर सेम ही आता है। तो मोड जो है हम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो आपको समझ में आया। हमने इसे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद जो मैक्सिमम था उसके इस मैक्सिमम को इससे, इसको इससे, जहां इंटरसेक्ट किया वहां से स्ट्रेट लाइन लिया है,
एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट इटसेल्फ अ मोड. ठीक है जी, तो ये था आपका मोड जो आपने देखा. अब एक छोटी सी बात मुझे आपको सिखानी है इसके अंदर, इसे आप पहले नोट कर लीजिए फास्ट. रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. एक रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन एंड मोड में. क्या रिलेशनशिप है ध्यान से देखिए. बेसिकली द मोड इज थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन. मीडियन का तीन गुना, उसमें से दो गुना अगर हम मीन माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, मोड. ये आपको पता होना चाहिए. हो सकता है आपको कोई भी दो चीजें दे दे और थर्ड वेरिएबल आपसे पूछा जाए. नोट करिए फास्ट प्लीज. चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के साथ. मीन की प्रॉपर्टीज क्या है, आइए. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मेरे साथ कवर अप करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. 101% यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज बी केयरफुल. आइए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं. देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज आर कॉन्स्टेंट के, आर कॉन्स्टेंट के, मीन विल ऑल्सो बी के, मीन विल ऑल्सो बी के. जैसे एक सीरीज एक्स है, इसमें अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस फाइव ले लूं तो आप चेक करेंगे तो इसका मीन जो है वो भी क्या आएगा, फाइव. यही तो आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है, अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, के है, तो उसका जो मीन है वो भी क्या होगा, के होगा. अगर सारी फाइव है तो मीन भी आपका क्या आएगा, फाइव आएगा. ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से देखिए, इफ द डेविएशंस इन द सीरीज आर टेकन फ्रॉम मीन, देन द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन विल बी जीरो, फ्रॉम मीन विल बी जीरो. अब ये क्या है ध्यान से देखिए, सपोज एक आपके पास सीरीज एक्स है, थ्री टू वन फाइव फोर. चलिए इसका मीन निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स बाय एन. टोटल पांच, छह, पांच, ग्यारह और चार, पंद्रह. नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, पांच, तो कितना आ गया आपका, थ्री. अब एक्स माइनस मीन, डेविएशन निकालने का मतलब क्या होता है, डेविएशन निकालने का मतलब होता है व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन. डेविएशन का मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज, From all the items of series. एक particular number को जब आप series की सारी items में से minus कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, deviations. अब यहां पर हमारे पास एक series है, mean हमारे पास 3 है, तो हमने क्या किया, हर उसमें से 3 minus कर दिया, mean minus कर दिया. 3 minus 3 0, 2 minus 3 minus 1, 1 minus 3 minus 2, 5 minus 3 2, 4 minus 3 1. ये आपने माइनस कर दिया. नाउ अब आप इसका सम करो, माइनस वन माइनस टू टू वन, तो ये क्या रहा आपका, जीरो.
यही तो मैंने आपको बताया था. दिस इज वॉट, इसको आप क्या बोलेंगे? इट्स अ सम ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन. तो इफ द डेविएशन इन द सीरीज आर टेकन फ्रॉम मीन, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन विल बी जीरो. तो दो प्रॉपर्टीज आपको मेरे साथ यहां तक क्लियर हो चुकी हैं. अब हम मूव करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए. सपोज एक क्लासरूम में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं. एक क्लासरूम में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं. इनके एवरेज मार्क्स आए 12, जबकि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए 15. 40 बॉयज के एवरेज मार्क्स क्लासरूम में 12 आए, 30 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए 15. अब मैं जानना चाहता हूं एवरेज ऑफ क्लासरूम, कि पूरी क्लासरूम की क्या एवरेज रही. अभी तो आपने मुझे बाइफरकेट करके बता दिया ना, बट जब मैं क्लासरूम की बात करूंगा तो क्लासरूम में तो टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 स्टूडेंट्स का कंबाइन एवरेज क्या रहा, यह मैं जानना चाहता हूं. तो यह मुझे पता लगता है किससे? कंबाइन मीन से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं x बार 1 2 से. फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक्स बार 1 2 का N1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, N2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, N1 प्लस N2. ये क्या है? N1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1. N2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 2. ये क्या है? मीन ऑफ सीरीज 1, पहली सीरीज का मीन. ये क्या है? मीन ऑफ सीरीज 2, सेकेंड सीरीज का मीन. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. N1 नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1. यहां पर अगर मैं बॉयज को N1 मान लू, मतलब मैंने बोला कि ये कितना है यहां पर आपका 40, इसको मैंने मान लिया N2, गर्ल्स कितनी हो गई 30. मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, इनके एवरेज मार्क्स कितने थे आपके 12, और इनके एवरेज मार्क्स आपके कितने थे 15. मतलब दिस इज योर मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड दिस इज योर मीन ऑफ सेकेंड सीरीज. ठीक है जी, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई. नाउ जस्ट पुट ऑन दीज थिंग्स इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. चलिए मैं यहां पुट करता हूं. हां जी, N1 कितना है आपका 40, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज कितना है 12, N2 कितना है 30, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज कितना है 15. 40 प्लस 30 480 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 70. तो 480 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 70, 480 प्लस 450 डिवाइड बाय 70 कम्स आउट टू बी 13.28. तो ये आपका आ गया कंबाइंड मीन, मतलब क्लास की जो एवरेज है वो कितने की है 13.28 की. तो ये आपने सीखा कंबाइंड मीन, इसे आप फटाफट एक बार नोट करिए. चलिए, अब कंबाइंड मीन जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही सीरीज का निकले, आप दो से ज्यादा सीरीज का भी कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं. मतलब सपोज आपके पास तीन सीरीज है तो आप तीन का भी कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं. फॉर्मूला विल स्टिल रिमेन सेम, N1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, N2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, N3 मीन ऑफ थर्ड सीरीज, N1 प्लस N2 प्लस N3. ठीक है जी, जैसे उसने आपको बोला देर आर थ्री टीम्स एंड द नंबर ऑफ देर आर थ्री टीम्स, टीम ए, टीम बी एंड टीम सी.
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें थे 5, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स थे 8 और इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 6। ठीक है, इनका जो एवरेज स्कोर रहा वो रहा 100, इनका एवरेज स्कोर रहा 120 और इनका एवरेज स्कोर रहा 80। तो अगर मैं आपसे कंबाइन एवरेज पूछूं यहां पर तो आप क्या करेंगे बताओ, सेम वे N1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, N2 मीन ऑफ सेकंड सीरीज, N3 मीन ऑफ थर्ड सीरीज। नाउ जस्ट पुट द सेम इन फॉर्मूला, 5 × 100 प्लस 8 × 120 प्लस 6 × 80। क्या किया मैंने, N1 इंटू मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, N2 इंटू मीन ऑफ सेकंड सीरीज, N3 इंटू मीन ऑफ थर्ड, और नीचे तीनों को ऐड करके 5 + 8 + 6 तो 500 + 960 + 480 / 19। तो अब ये आपका कितना आता है, 500 + 960 + 480 / 19, यह आपका 102.10। तो ये आपके आ गई कंबाइन एवरेज। तो तीन प्रॉपर्टीज आपने मेरे साथ अभी तक इसकी देख ली हैं, कौन कौन सी। पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी कांस्टेंट के है तो जो हमारा मीन है वो भी क्या आएगा, के आएगा। सेकंड आपने देखे अगर हम डेविएशंस लेते हैं मीन से तो जो सम ऑफ डेविएशंस आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। और तीसरा आपने देखा कि कंबाइन मीन किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम मूव ऑन करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। उससे पहले आप ये फटाफट सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बड़े ध्यान से इसको देखना, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अब ये चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल की प्रॉपर्टी क्या है, आइए जरा इसे केयरफुली समझते हैं एक एक चीज को, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल को प्लीज देखिए। सपोज आपकी एक सीरीज X3, 3, 2, 1, 4, 5, आपने इसका मीन निकाला 15/5, 3। ठीक है, अब आपने एक नई सीरीज बनाई Y सीरीज जो आपने बनाई, आपने क्या किया, X के हर आइटम में 2 ऐड कर दिया। X के हर आइटम में 2 ऐड करके आपने एक नई सीरीज बनाई, तो 3 × 2 = 5, 2 × 2 = 4, 1 × 2 = 3, 4 × 2 = 6, 5 × 2 = 7। अब आपने Y का मीन निकाला 9, 3, 12, 6, 18 और 7, 25 25/5 तो कितना आया 5। अब अगर आप ध्यान से देखो x का मीन 3 था और y का मीन 5 है, कितना बढ़ गया +2। कैन आई से कि y का जो मीन आया वो क्या आया, x का मीन +2 यही आया। और अगर आप यहां भी देखो तो हमने पूरी सीरीज में क्या ऐड किया था, 2 ऐड किया था। बात समझ में आ रही है आपको, अगर आप पूरी सीरीज में कोई भी आइटम ऐड कर देते हैं तो उसका मीन भी उतना ही बढ़ जाता है। बात समझ में आई आपको, अगर हमने पूरी सीरीज में 2 ऐड किया तो आपने देखा कि उसका मीन भी जो है वो एग्जैक्टली कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया। समझ में आई बात। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने एक सीरीज बनाई जेड और मैंने जेड बनाई एक्स की हर आइटम में से 1 माइनस कर दिया, एक्स की हर आइटम में से मैंने 1 माइनस कर दिया। अब 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 0, 3 एंड 4, सम करा आपने 10, z का मीन आया सिग्मा z बाय n 10/5, तो मीन आपका कितना आ गया 2। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व कि यहां पर जो मीन आया
वो इसके मुकाबले एक कम आया, और यहां आपने माइनस भी किया, क्या था वन, मतलब मीन ऑफ जेड इज मीन ऑफ एक्स माइनस वन, जो एक्स का मीन है उसमें से क्या हो गया एक कम हो गया। तो बेसिकली चेंज इन ओरिजिन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही समझा रहा हूं, चेंज इन ओरिजिन होता है जब आप पूरी सीरीज में कोई नंबर इधर ऐड कर देते हैं या आप पूरी सीरीज में कोई नंबर माइनस कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। एंड चेंज इन ओरिजिन जो है इट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन, इससे जो है मीन हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन। चेंज इन ओरिजिन समझ में आके, ध्यान से देखिए, तो दिस इज वाई ए प्लस एक्स, इसकी इक्वेशन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई, अगर जो मीन x का था उसमें भी a ऐड हो जाएगा ताकि हम y का मीन निकाल सके। मैं एग्जांपल दूं अगर आपको इसके ऊपर, इफ द मीन ऑफ सीरीज x इज 8 एंड अ न्यू सीरीज y is formed by adding 4 in all observations of series x, what will be the mean of series y? सीरीज वाई का मीन क्या होगा, वट विल बी द मीन ऑफ सीरीज वाई। एक मीन सीरीज एक्स है जिसका मीन जो है हमारे पास क्या है 8 है, क्या ना हमने एक वाई सीरीज बनाई और कैसे बनाई, एक्स की हर आइटम में 8 ऐड कर दिया, तो वाई का मीन भी क्या होगा मीन ऑफ एक्स प्लस 8, सॉरी क्या ऐड किया 4 ऐड किया, एक्स की हर आइटम में 4, तो वाई का मीन भी क्या होगा मीन ऑफ एक्स प्लस 4, तो 8 प्लस 4 ये आपका कितना आ गया 12। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने समझा चेंज इन ओरिजिन होता क्या है, जब हम पूरी सीरीज में या तो कुछ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं उसे हम चेंज इन ओरिजिन कहते हैं, एंड उस केस में कैसे मीन पर इफेक्ट पड़ता है वो मैंने आपको बताया। अब आइए चेंज इन स्केल की बात करते हैं, आप इससे पहले से नोट करिए फास्ट। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को मैं स्केल से आपको समझाता हूं, देखिए सपोज आपने एक वाई सीरीज बनाए और आपने एक्स की हर आइटम को 2 से इंटू कर दिया, एक्स की हर आइटम को 2 से इंटू किया, तो 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, 1 टू जा 2, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, तो ये आपका 10, 18, 20, 24 और 6 30 आया, मीन ऑफ वाई सिग्मा वाई बाय एन 30/5, तो ये आपका कितना आ गया 6। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 2। तो बेसिकली मीन ऑफ y हुआ क्या यहां पर, ट्वाइस ऑफ मीन ऑफ x, यस और नो, यही हुआ ना, यस yes. इसी चीज को हम बोलते हैं चेंज इन स्केल, क्या टर्म बोला मैंने चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप पूरी सीरीज को या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्केल। और आपने देखा जब आपने स्केल में चेंज किया तो उससे हमारा मीन भी डायरेक्टली अफेक्ट हुआ, मतलब कैन आई राइट डायरेक्टली अफेक्ट्स मीन, इससे मीन जो है हमारा डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अब कैन आई राइट कि मीन ऑफ वाई एक तरह से बी ऑफ एक्स है, मतलब एक्स का जो मीन है अगर स्केल को मैं बी मान लूं तो वो इस तरीके से आता है, मतलब ध्यान से देखिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, इफ मीन ऑफ
सीरीज x इज 10 एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सीरीज x आर डिवाइडेड बाय 2 टू फॉर्म द न्यू सीरीज y, टू फॉर्म द न्यू सीरीज y, व्हाट विल बी द मीन, व्हाट विल बी द मीन ऑफ y, y का मीन क्या होगा आपसे ये पूछा गया। बहुत सिंपल है, x का मीन क्या है 10, उसने बोला y कैसे बनाया, x को हर आइटम को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मीन के लिए भी x के मीन को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 10 बाय 2 उसका मीन जो है वो क्या आ जाएगा, द मीन विल बी व्हाट 5, मीन आपका कितना आ गया 5 आ गया। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी बातें हैं चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल में। ओरिजिन में कुछ प्लस हुआ तो हमने मीन में भी प्लस कर दिया, स्केल में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अभी तक आपको सिर्फ इतनी सी बात मेरी क्लियर हो जानी चाहिए कि एग्जैक्टली ओरिजिन एंड स्केल है क्या। ओरिजिन में पूरी सीरीज में या तो कुछ प्लस होता है या क्या होता है माइनस होता है, वेयर एज इन स्केल पूरी सीरीज में या तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, और दोनों ही की वजह से हमारा मीन डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अब इस पे एग्जाम में और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा, उससे पहले जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे आप फटाफट एक बार नोट डाउन करिए फास्ट बेटा। ध्यान से देखिए, हम एक एक चीज, क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं इसके ऊपर, मैं एक एक करके सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। मीन ऑफ x है 5, उसने y बोला हमने बनाया 3 प्लस एक्स, तो मीन ऑफ y क्या होगा। हां जी, मीन ऑफ y क्या होगा 3 प्लस मीन ऑफ x, 3 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 8। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने आपको बोला y इज इक्वल्स टू 3x और मीन ऑफ x है 5, तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ y। आपने कहा सर मजाक कर रहे हो अब हमसे, इतना पढ़ा दिया, मीन ऑफ y विल बी व्हाट 3 ऑफ मीन ऑफ x 3 इंटू 5, तो मीन ऑफ y कितना हो गया आपका 15। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, अब मैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूं, ये तो मैंने एक तरह से रिवाइज ही करवा दिया आपको। y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, तो एक बार बताओ, अच्छा पहले मैं आगे दूं, मीन है 2, व्हाट विल बी द मीन ऑफ y आपसे ये पूछा गया। बड़े आराम से 3 बेटा, इसमें आप क्या बोलोगे कि स्केल है, और 2 को आप क्या बोलोगे कि सर ओरिजिन है, 2 जो है वो ओरिजिन है, 3 क्या है आपका स्केल। अब ध्यान से देखिए, मीन ऑफ y आपसे पूछा गया है, तो 2 प्लस थ्राइस ऑफ मीन ऑफ x, सिंपल x की जगह वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना, 2 प्लस 6, तो आंसर क्या आ गया आपका 8। बात समझ में आई, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, y माइनस 5 प्लस 6x, मीन ऑफ x इज 2, व्हाट विल बी द मीन ऑफ y, तो आंसर इज मीन ऑफ y इज व्हाट माइनस 5 प्लस 6 ऑफ मीन ऑफ x, माइनस 5 प्लस 6 2, माइनस 5 प्लस 12 कम्स आउट टू बी 7, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, मीन ऑफ x इज 1, सो व्हाट विल बी द मीन ऑफ y, ये मेरा क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से एक एक चीज देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, देखने में ही मुश्किल लगती हैं चीजें। देखिए कुछ नहीं करना, आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन है मीन ऑफ x मीन ऑफ y, सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालो, 2x प्लस 3y
माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 3y, इधर 8 माइनस 2x, y इज 8 बाय 3 माइनस 2y 3x, यही आएगा। आपने y की वैल्यू निकाली 3y, ये 8 माइनस 2x, 3 इसके नीचे चला गया, इसके नीचे चला गया। अब वही आपका जो फॉर्मूला था, मीन ऑफ y क्या होगा, 8 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 ऑफ मीन ऑफ x, 8 बाय 3 माइनस 2 बाय 3, इट इज हियर 1, 6 बाय 3, सो आंसर कम्स आउट टू बी 2। तो अगर इस तरह की इक्वेशन भी आ गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप पहले y की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो x माइनस वाई प्लस 8, 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, मीन ऑफ y इज, सॉरी मीन ऑफ x इज 2, व्हाट विल बी द मीन ऑफ y? तो पहले आप y की वैल्यू निकालिए, 2x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, सो कैन आई राइट 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू y? अब बस आप x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका मीन ऑफ y आ गया 4, 12 इज इक्वल्स टू मीन ऑफ y। तो ये आपको समझ में आया कैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल है? बड़े टाइम लगा के मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, उसके पीछे कारण ये है, ये टॉपिक आपका थ्रू आउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन एज वेल एज कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन में आपकी हेल्प करेगा, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल आफ्टर एवरी टॉपिक यू विल स्टडी। जैसे आपने चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल मीन में देखा है, सेम वे इट विल अफेक्ट द मीडियन, सेम वे इट विल अफेक्ट द मोड, दैट वी विल सी लेटर ऑन। आप इसे नोट करिए फास्ट। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड मोड। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड मोड, ये मैं जानबूझ के आपको कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि काफी सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है और क्योंकि हमने मीन की प्रॉपर्टीज समझ ली हैं तो अब हमें इसे समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आइए, सबसे पहली प्रॉपर्टी बड़ी सिमिलर है मीन से, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज आर कॉन्स्टेंट के मीडियन एंड मोड विल ऑल्सो बी के, मीडियन और मोड जो है वो भी आपका क्या होगा के। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सीरीज एक्स है, सारी ऑब्जर्वेशंस अगर मैं आपकी 5 ले लूं तो आप देखेंगे इसका मीडियन भी 5 आएगा और इसका मोड भी 5 आएगा। और अगर आपको याद हो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि उसका मीन भी जो है वो क्या आएगा, 5। तो कैन आई से यहां पर एक नई बात मैं कह सकता हूं कि If all the observations, if all the observations of series are constant k, are constant, mean will be equal to, median will be equal to mode, ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होगी। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट के हैं तो मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। ठीक है बेटा, चलिए अब ध्यान से देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। सेम प्रॉपर्टी जो आपने मीन में पढ़ी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मीडियन एंड मोड दोनों इफेक्ट होते हैं चेंज इन ओरिजिन से भी एंड चेंज इन स्केल से। ध्यान से देखिए, बोथ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल डायरेक्टली अफेक्ट्स मीडियन एंड मोड। एकदम सिमिलर टू मीन, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने आपको बोल दिया कुछ भी अलग नहीं है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है।
विश्वास मानो मेरी बात का, झूठ नहीं बोलता मैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं, चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि y इज इक्वल्स टू 3 + 2x, और मैंने आपको बोला मोड ऑफ x इज 2, तो मोड ऑफ y क्या होगा? मैंने आपसे ये पूछा y इज इक्वल्स टू 3 + 2x, मोड ऑफ x इज 2, मोड ऑफ y क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना, y इज इक्वल्स टू 2 + 2x है, तो बस x की जगह 2 पुट कर दो, तो वट एवर द आंसर यू विल गेट इज मोड ऑफ y। जो मोड ऑफ y है वो आपका क्या होगा? 6 होगा। बात समझ में आई? चल एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा टेढ़ा सा, 3x - 2y + 8 = 0, मीडियन ऑफ x 1, तो मीडियन ऑफ y क्या होगा? x का मीडियन 1 है तो y का मीडियन क्या होगा? ध्यान से देखिए, तो क्या करना है हमें, एकदम मीन की प्रॉपर्टी की तरह, 3x + 8 = 2y, तो 2y आया 3x + 8, तो y इज 3x/2 + 8/2, तो y इज, अब आपको क्या निकालना है, मीडियन ऑफ y, तो जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज, 1 + 8/2, तो 11/2 इज द मीडियन ऑफ y, y का जो मीडियन है वो आपका क्या आ गया, 11/2। तो आपको समझ में एकदम सेम जो आपने मीन में पढ़ा है, मैं कह रहा हूं रद्दी भर का भी चेंज नहीं है, बस इतना सा जरूर चेंज है कि वहां आप मीन की वैल्यू पुट करते थे, यहां पे आप मोड या मीडियन एज द केस में भी वो पुट करो। द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज आर एब्सोल्यूटली सेम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन केस ऑफ मीन, इसीलिए मैंने कॉमन प्रॉपर्टीज जो आपको टॉपिक पढ़ाया है ध्यान से देखिए। अब मैं तीसरी थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जरूर ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर मीडियन है। लिख देता हूं मैं, एक्सक्लूसिव फॉर मीडियन, मीडियन के लिए मैं आपको एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या है ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मीडियन के लिए। सपोज ये प्रॉपर्टी है, इफ एब्सोल्यूट डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस will be minimum. The sum of absolute deviations will be minimum. ये क्या है? सबसे पहले absolute deviation क्या होता है ये समझो आप, ध्यान से देखिए एक एक चीज। जैसे आपके पास कोई सीरीज x है, 3, 2, 5, 7, 3, आप x पे से अगर कुछ माइनस करते हैं, सपोज आपने x में से, मैं कहता हूं x में से आपने 5 माइनस किया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कि आपने निकाला डेविएशन फ्रॉम 5, ये आप ऑलरेडी मेरे साथ देख चुके हैं। बट अगर आप x में से 5 माइनस करते हैं विद मॉडुलस फंक्शन, ये जो मैंने बार्स लगाए हैं इसको बोला जाता है मॉडुलस फंक्शन। इसका रोल क्या होता है ध्यान से देखिए, जैसे 3 - 5, तो ये क्या आएगा आपका कायदे से, -2 आता है, तो इस मॉडुलस का काम होता है इसको कन्वर्ट कर देता है प्लस में। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस जो है वो नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव में, जैसे 2 - 5 - 3, तो क्या आया 3, 5 - 5 क्या आया 0, अब 7 - 5, अब अकल मत लगा लेना कि पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। 3 - 5 - 2, 2, तो इस चीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन के अंदर क्या होता है कि हम निकालते हैं डेविएशन विद मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट डेविएशन में जो आपकी डेविएशन निकलती है
इसमें जो आपकी डेविएशन निकलती हैं, वो डेविएशन निकलती हैं डेविएशन विद मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन के साथ आपकी इसमें डेविएशन निकलती है। मतलब कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता, ऑल नंबर्स विल बी पॉजिटिव। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये एब्सोल्यूट डेविएशन, अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालें किसी भी सीरीज की, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालें किसी भी सीरीज की मीन से, मीडियन से और मोड से, आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालें मीन से, मीडियन से और मोड से, तो आप पाएंगे जो सम है, जो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन है वो सबसे कम आएगा। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा, और वो मिनिमम होगा किससे, वो मिनिमम होगा अगर आपने उसे निकाला होगा मीडियन से। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा अगर वो आपने किससे निकाला होगा, मीडियन से निकाला होगा। अगर आपको याद हो मीन में मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, मीन में मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर आप डेविएशन निकालते हैं किससे, मीन से, तो जो सम ऑफ डेविएशंस है, जो सम ऑफ डेविएशन है किससे, मीन से, उसका सम हमेशा क्या आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जब आप मीन डेविएशन निकालते हैं तो नंबर नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी, तो वहां जीरो आ सकता है, वो भी किससे आएगा, सिर्फ और सिर्फ मीन से। बट अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब मॉड्यूलस के साथ, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता किसी भी सीरीज में मीन से, मीडियन से, मोड से, तो जो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन है वो मिनिमम सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, मीडियन से होगा। तो आप प्रॉपर्टी देखें, इफ द एब्सोल्यूट डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन विल बी मिनिमम। ये सिर्फ आपको ध्यान रखनी है, एक नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है, कोई इस पे प्रूफ आपसे डिमांड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, इसे फटाफट एक बार नोट करिए फास्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हार्मोनिक मीन। आइए देखते हैं क्या है ये हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किस तरीके से निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। सपोज आपके पास सीरीज है X3, 2, 4, 5, ठीक है जी। हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, n y 1 by x1 1 by x2 1 by x3 so on 1 by xn। मतलब जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स है, कितनी आइटम्स है यहां पर, चलो एक दो और ले लेता हूं, 6, 7, कितनी आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आइटम्स है। अब सबके रेसिप्रोकल लोगे, 3 का क्या लोगे, 1/3, 2 का क्या लोगे, 1/2, 4 का क्या लोगे, 1/4, 5 का क्या लोगे, 1/5, 6 का क्या लोगे, 1/6, 7 का क्या लोगे, 1/7। तो ये जितने भी x की टर्म्स हैं सबका आपने रेसिप्रोकल लिया, 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है, 6। अब आपको इसे सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको इसको सॉल्व करने का सिखाने जा रहा हूं। कैलकुलेटर ले लीजिए फास्ट, देखिए कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, सारा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। आपने क्या करना है, जो नीचे ही लिखा हुआ है सारी की सारी चीजें ध्यान से देखिए, एक एक चीज। पहले हमने दबाया क्या, 1/3, और m प्लस आपको एक बटन दिख रहा होगा, m प्लस, हो सकता है आपके राइट साइड में हो, देखिए m प्लस, फिर 1/2 m प्लस, फिर 1/4 m प्लस, फिर 1/5 m प्लस, 1/6 m प्लस, 1/7 m प्लस। समझ में आया आपको मैंने क्या किया है, दोबारा रिपीट कर देता हूं स्टेप्स, ध्यान से देखिए। पहले 1/3 m प्लस, 1/2 m प्लस, 1/4 m प्लस, 1/5 m प्लस, 1/6 m प्लस, 1/7 m प्लस। ठीक है जी, ये आपने कर लिया।
अब आपको क्या करना है, बस रुक गया, सिक्स देखिए, सिक्स डिवाइडेड बाय देखिए, जब आप ये m प्लस m प्लस m प्लस कर रहे थे ना, तो m प्लस का मतलब है मेमोरी में ऐड होता जा रहा है। अब जो जो मेमोरी में ऐड हो गया, 6 डिवाइड मैंने किया, 6 डिवाइडेड बाय, अब जो मेमोरी में मुझे उससे डिवाइड करना है, तो 6 डिवाइड, देयर इज अ बटन MRC, आप देख सकते हैं MRC, 6 डिवाइड MRC और फिर इक्वल टू, तो जैसे ही आप इक्वल टू दबाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहां पर आ रहा है कितना, 3.76, कितना आ रहा है 3.76। तो ध्यान से देखिए, तो बेसिकली मैं दोबारा से एक बार सारे स्टेप्स बेशक रिपीट कर देता हूं, जब भी आप पहली बार कैलकुलेटर पे स्टार्ट करें, यहां पर m ना लिखो, m लिखा हुआ है मतलब ऑलरेडी कुछ मेमोरी में है, तो आप 2-3 बार MRC दबा के उसे हटा दो। लास्ट टाइम बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए कैसे करना है हमें, 1 divide by 3 m plus 1 divide by 2 m plus 1 divide by 4 m plus 1 divide by 5 m plus 1 divide by 6 m plus 1 divide by 7 m plus m plus m plus आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, 6 डिवाइड किससे, MRC से, 6 डिवाइड MRC और इक्वल टू दबाते ही आपका आंसर आपके सामने। तो आपको समझ में आया कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी लगभग सेम फॉर्मूला है, स्लाइट चेंज, जैसे 3, 4, 5, 7, 6, 2, 3, 5। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय F1 by X1, F2 by X2, F3 by X3, F4, मतलब इस तरीके से आपका चलता रहेगा Fn by Xn तक। मतलब सबसे पहले आप सिग्मा एफ लो, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 हो गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 6 by 3, मतलब F by X, फिर 2 by 4, फिर 3 by 5, फिर 5 by 7, आपने इन सबको आपस में इस तरीके से डिवाइड किया। तो ध्यान से देखिए कैसे आएगा हमारा, 6 divided by 3 m plus 2 divided by 4 m plus 3 divided by 5 m plus 5 divided by 7 m plus, और उसके बाद 16 divided by MRC equals to, ये मेरा आ रहा है 0.52, लेट मी चेक इट अगेन, शायद ये गड़बड़ ना हो, 6 divided by 3 m plus 2 divided by 4 m plus 3 divided by 5 m plus 5 divided by 7 m plus 16 divided MRC equals to, हाँ सॉरी, इसका आंसर आपका आ रहा है 4.19। तो वो ही टेक्निक जो मैंने आपको पहले बताई थी, सेम यहां पर हमारी टेक्निक फॉलो हो रही है, ठीक है जी। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में कुछ भी नया नहीं है, सेम, सिर्फ क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फ्रीक्वेंसी 3, 2, 1, 4। तो आप क्या निकाल लोगे, एकदम सेम है जैसे आप डिस्क्रीट में करते हो, मिड पॉइंट निकालो, 5, 15, 25, 35। बस तरीका क्या है, F का सम ले लो, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, यहां पर 3/5, 2/15, 1/25, 4/35। सेम तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है, और वही कैलकुलेटर के ऊपर पहले मेमोरी क्लियर कर ली, नहीं तो फंस जाओगे, 3 divided by 5 m plus 2 divided by 15 m plus 1 divided by 25 m plus 4 divided by 35 m plus 10 divided MRC equals to, तो आंसर आ गया हमारे पास 11.26, ठीक है जी। तो आपने सीखा हार्मोनिक मीन किस तरीके से हम निकालते हैं, नोट करिए इसे फास्ट। चलिए अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन, कुछ भी नहीं है, एक प्रॉपर्टी तो आप ऑलरेडी मेरे साथ देख चुके हो, इफ ऑल द वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट के,
हार्मोनिक मीन विल ऑल्सो बी के. अगर सारी से ऑब्जर्वेशंस टू हैं तो उसका हार्मोनिक मीन भी बाय डिफॉल्ट आपका कितना आएगा, टू आएगा. ठीक है, इसके बाद कंबाइन हार्मोनिक मीन. कंबाइन हार्मोनिक मीन ध्यान से देखिए, कंबाइन हार्मोनिक मीन इसका फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2. एग्जांपल लेते हैं, सपोज देयर इज अ सीरीज 1 जिसमें आपकी टोटल 20 आइटम्स है, देयर इज अनदर सीरीज जिसमें आपकी टोटल 10 आइटम्स है, सॉरी देयर इज अनदर सीरीज 2 जिसके अंदर आपके पास 10 आइटम्स है. हार्मोनिक मीन ऑफ दिस सीरीज इज 16 एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस सीरीज इज से 20. ठीक है, चलिए पुट करते हैं. इसको मैं n1 बोल सकता हूं, दिस इज n2, दिस इज h1 एंड दिस इज h2. 20 प्लस 10, 20 बाय 60 प्लस 10 बाय 20. आइए सॉल्व करते हैं. मेमोरी क्लियर? हां जी. 20 डिवाइड बाय 16 m प्लस 10 डिवाइड बाय, ओ गलत हो गया, कुछ नहीं होता. 20 डिवाइड बाय 60 m प्लस 10 डिवाइड बाय 20 m प्लस 30 डिवाइड बाय mrc इक्वल्स टू. अरे वाह, क्या आंसर आया है, दिल खुश हो गया. आंसर इज एग्जैक्ट 36. तो आपका कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या आ गया, 36. तो बहुत ही सिंपल सी इसकी दो प्रॉपर्टीज जो आपने मेरे साथ डिस्कस करी, फटाफट इसे नोट करिए फास्ट. तो बच्चों अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. 101% यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, सो प्लीज बी केयरफुल. बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको देखनी है, ध्यान से देखिए है क्या ये टॉपिक. सपोज एक प्लेन डेस्टिनेशन ए से फ्लाई करता है डेस्टिनेशन बी के लिए, एक प्लेन डेस्टिनेशन ए से फ्लाई करता है डेस्टिनेशन बी के लिए, और जब वो ए से बी के लिए फ्लाई करता है तो उसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर. वही प्लेन वापस आता है बी से डेस्टिनेशन ए पर और उस समय उसकी स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर. आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इस प्लेन की एवरेज स्पीड क्या है. तो आपने कहा 500 किलोमीटर जमा 700 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो 1200 बटा 2. आपने कहा सर इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 600 किलोमीटर पर आवर. 500 की स्पीड से गया था, 700 की स्पीड से आया है, दोनों को जमा करके डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा मीन आ गया 600 किलोमीटर पर आवर. एंड दिस इज रॉन्ग, ये गलत है. क्यों गलत है, क्या होना था, ध्यान से समझो. देखो जब भी आपके पास एवरेज निकालने के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एप्लीकेशन आएगी एवरेज निकालने की, तो किस तरीके से हमें उसे टैकल करनी है ये मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं. बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा प्लीज. आपको एक टेबल हमेशा बनानी है, किलोमीटर आर. देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा उसकी एक यूनिट होगी, जैसे इसमें किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे किलोमीटर रखना है, राइट में आर है तो आपने राइट में क्या रखना है, आर. अब यहां आपने लिखा गिवन और यहां लिखा आपने कांस्टेंट, यहां लिखा गिवन और यहां क्या लिखा आपने कांस्टेंट. अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको यह पता है कि ए से बी और बी से ए कितने किलोमीटर है. डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड ए एंड बी के बीच का क्या डिस्टेंस आपको पता है. दो आंसर इज नो, हमें ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस नहीं पता. हमें तो स्पीड पता है कि 500 किलोमीटर जाने में लगते हैं और आने में 700 किलोमीटर पर आर की स्पीड है.
हमें तो स्पीड पता है, आप कैसे कह सकते हो? आपके मन में आ रहा होगा, नहीं सर 500 किलोमीटर है। बेटा 500 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड है, पता नहीं डिस्टेंस कितना हो, 300 किलोमीटर और 700 किलोमीटर, हाउ कैन यू से 500 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, इट्स अ स्पीड। तो हमें ए से बी या बी से ए की बात मैं करूं, हमें किलोमीटर गिवन नहीं है। सेम वे क्या ए से बी और बी से ए का जो टाइम है वो आपको पता है कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा और बी से ए, क्या मैंने आपको कहीं बताया कि ए से बी में कितने आर्स लगे या बी से ए में कितने आर्स लगे? मैंने आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब इसमें आपको आर्स भी गिवन नहीं है। देखिए जब आप ये टेबल बनाएंगे ना तो इसमें आप फाइंड करेंगे तीन जगह क्रॉस लगेगा और एक जगह राइट लगेगा। आराम से सुनिए, थोड़ी इनिशियल प्रॉब्लम आती है 5-7 मिनट, फिर टॉपिक आपको अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अच्छा एक बात बताओ, ए से बी जितना टाइम लगेगा क्या उतना ही टाइम बी से ए लगेगा? क्या ए से बी और बी से ए का टाइम सेम होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर स्पीड अलग है, जाते हुए स्पीड 500 थी, आते हुए स्पीड 700 है, तो कैसे टाइम लग सकता है? अगर आप अपने घर तक पैदल जाओ और मतलब आप अपने घर से यहां तक पैदल आओ और जाओ आप रिक्शा पे, तो क्या टाइम सेम लगेगा? नहीं लगेगा सर, अलग अलग लगेगा। तो मैं कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। तो क्या आर्स कांस्टेंट है? ए से बी जितने आर्स लगेंगे उतने ही आर्स बी से ए लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। बट ए से बी जितने किलोमीटर है उतना बी से ए किलोमीटर होगा या नहीं होगा? होगा सर। एक बात बताओ, यहां से आपका घर और आपके घर से यहां सेम डिस्टेंस है या नहीं है? सर सेम डिस्टेंस है, किलोमीटर तो सेम होंगे। तो यहां देखो आ गया ना टिक। कभी भी आप टेबल बनाओगे, मैं आपको 3-4 एग्जांपल सभी करवाऊंगा, यू विल सी देयर विल बी 3 क्रॉसेस एंड 1 विल बी द राइट। अगर पहले वाले पे आपका टिक आ जाता है, चाहे गिवन पे चाहे कॉन्स्टेंट पे, यू हैव टू यूज हार्मोनिक मीन फॉर फाइंडिंग द एवरेज। और अगर दूसरे वाले पे आपका टिक आता है तो यू हैव टू यूज अर्थमेटिक मीन फॉर फाइंडिंग द एवरेज। आपको अर्थमेटिक मीन का यूज करना है एवरेज फाइंड आउट करने के। तो आपका टिक यहां पर आया, तो आपने लिखा एक्स 500 और 700 हार्मोनिक मीन एन 1 बाय एक्स 1 प्लस 1 बाय एक्स 2। एन कितना है आपका 2, 1 बाय 500, 1 बाय 700। तो अब देखते हैं इसे कैसे। अब देखो मैंने सॉल्व करना सिखाया तब बेशर्मो भूल मत जाना, 1 डिवाइड बाय 500 एम प्लस 1 डिवाइड बाय 700 एम प्लस 2 डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल्स टू, तो ये आया 583.33। सो माय एवरेज स्पीड इज 583.33 किलोमीटर पर आर। ये हमारी एवरेज स्पीड है। आप इसको क्वेश्चन को एक बार नोट करिए, फिर उसके बाद मैं और अच्छे एग्जांपल इसके ऊपर आपको देता हूं। फटाफट पहले आप इसे नोट करिए फास्ट। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल्स इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज बी केयरफुल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आराम से रिलैक्स होके बैठो, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, बस पढ़ने की इच्छा आप में होनी चाहिए। ए बी सी डी, मैंने बोला ए से बी हमें 2 आर्स लगते हैं, बी से सी हमें 3 आर्स लगते हैं और सी से डी हमें 1 आर लगता है। ए से बी मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आर, यहां मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आर और यहां मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आर। ये आपकी स्पीड है, ठीक है जी। अब आपसे बोला गया कि बेटा इसके अंदर आपको एवरेज स्पीड बतानी है, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको इसके अंदर बतानी है, बड़े ध्यान से एक एक चीज आपको समझनी और सुननी है, प्लीज बी केयरफुल। नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, वही आपको बनाना है किलोमीटर आर गिवन कांस्टेंट।
किलोमीटर आर गिवन कांस्टेंट। ध्यान से देखिए, क्या आपको ए से बी, बी से सी, सी से डी कितने किलोमीटर है ये पता है? नहीं पता सर, हमें तो किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने कितने किलोमीटर है। अच्छा, ए से बी कितने घंटे लगे, बी से सी और सी से डी कितने आर्स लगे, क्या आपको पता है? जी सर, हमें ये बात पता है। तो फिर सोच क्या रहे हो, ये बात आपको पता है? कांस्टेंट का सेम डिस्टेंस तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा और सेम टाइम भी नहीं लगा। और एक बार आपको टिक मिल गया ना, आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है, बस खत्म करो वहीं पर। तो आर्स आपको पता है इसमें, तो यहां पर आप लगाएंगे अर्थमेटिक मीन। यहां पर आप क्या लगाएंगे? अर्थमेटिक मीन। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक आपके पास ये वेरिएबल है और एक वेरिएबल है ये। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझको डिस्क्रीट सीरीज बनानी पड़ेगी x और f। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट विल बी द x एंड व्हाट विल बी द f। मैं आपको इस सॉल्यूशन का इसका जवाब दे देता हूं। याद रखना आप, whatever we have to find is always equals to x, is always x। जो हमें निकालना होता है वो हमेशा x होता है। तो हमें यहां पर क्या निकालनी है सर? हमें स्पीड निकालनी है। तो बताओ बेटा x क्या होगा? 30, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 3 और 1। अब आप fx निकालोगे 60, 120 और 50। मीन कैसे निकलता है? सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, 180, 50, 230, 6, 230 डिवाइडेड बाय 6। तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, चेक कर लेते हैं, 230 डिवाइड बाय 6, ये बेटा आई आपकी कितनी? 38.33 किलोमीटर पर आर। समझ में आया? थोड़ी और क्लैरिटी आपको इससे हुई होगी, इस एग्जांपल से। अब एकदम ही टॉपिक खत्म कर देते हैं जड़ से, तीसरा एग्जांपल लेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी की सारी चीज हो जाएंगी। ध्यान से देखिए एग्जांपल 3। मैंने आपको बोला डेस्टिनेशन ए से बी, बी से सी और सी से डी, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ये डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का, ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का और ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। यहां मेरी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आर, यहां मेरी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आर और यहां मेरी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आर। आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, ये आपसे बोला गया। ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ध्यान से देखिए, तो बताओ किलोमीटर आर गिवन एंड कांस्टेंट। आप एक बात बताओ, इसमें हमें क्या गिवन है? किलोमीटर, बस पहली चीज मिल गई, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, किलोमीटर आपको गिवन है। तो क्या लगाओगे इसमें? हार्मोनिक मीन, एक्स एफ। एक्स क्या लोगे? जो सर हमें फाइंड आउट करना होता है वो एक्स होता है। तो 10, 20, 15 ये आपका एक्स हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 50, 40, 30। अब इसके बाद आप हार्मोनिक मीन निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसका टोटल 90, 120 ऊपर आ गया सिग्मा एफ और नीचे क्या आएगा? 50 बाय 10 प्लस 40 बाय 20 प्लस 30 बाय 15। फॉर्मूला भूल चुके होगे बेशर्मो, लिख देता हूं, सिग्मा एफ F1 बाय X1, F2 बाय X2 याद आ रहा होगा, कब तक? Fn बाय Xn तक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। हां जी, 50 डिवाइड बाय 10 m प्लस 40 डिवाइड बाय 20 m प्लस 30 डिवाइड बाय 15 m प्लस 120 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल्स टू 13.33 किलोमीटर पर आर। मेरी एवरेज स्पीड आई 13.33 किलोमीटर पर आर। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन की एप्लीकेशन करी। कोई भी मेरे पास चीज है, मैंने उसको टेबल में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वेरिएबल अगर गिवन या कांस्टेंट है तो आई हैव टू अप्लाई हार्मोनिक मीन, एंड इन केस सेकंड वेरिएबल इज गिवन और कांस्टेंट, आई हैव टू अप्लाई द, वेरी गुड, अर्थमेटिक मीन। ठीक है,
सर क्या ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्पीड निकालने के लिए लगेगी? बिल्कुल भी नहीं, आप इसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिए। आप इसे फटाफट एक बार नोट करिए फास्ट। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे ये एप्लीकेशन आप मल्टीपल कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं। मिस्टर एक्स है, उन्होंने मिल्क परचेज किया। मिस्टर ए से, मिस्टर बी से एंड मिस्टर सी से। मिस्टर ए से उन्होंने 100 रुपए का दूध खरीदा, मिस्टर बी से 200 रुपए का खरीदा और मिस्टर सी से मात्र 80 रुपए का। इनका जो रेट है वो है 40 रुपीज पर लीटर। इनका जो रेट है वो है 50 रुपीज पर लीटर और इनका जो रेट है, इनका रेट है मात्र 20 रुपए पर लीटर। ये डब्बे वाला दूध बेचते हैं, ध्यान से देखिए। तो इन्होंने मिस्टर एक्स ने मिल्क परचेज किया इतने इतने रुपए का और ये आपको रेट्स के बने, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, फाइंड एवरेज रेट ऑफ मिल्क। एवरेज रेट का हमें क्या पड़ा? मिल्क का। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब एवरेज रेट आपसे पूछा गया कैसे हमें निकालना है, ध्यान से देखिए। एक एक चीज इसमें आपकी यूनिट क्या है, रुपीस और लीटर, सेम वहां किलोमीटर आर थी, यहां क्या है आपकी रुपीस और लीटर, ठीक है बेटा। गिवन कॉन्स्टेंट, हां जी आपको रुपीस गिवन है, जी हां, बाकी सब अपने आप क्रॉस हो जाएगा। अब ये गिवन है तो आपका क्या लगेगा, सर हार्मोनिक मीन। अब बताओ एक्स एंड एफ, एक्स और एफ, अब ध्यान से देखिए ये आपके रेट्स हैं 40, 50 and 20, ये आपके रेट्स हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, 100, 200 and 80। भाई जो निकालना होता है एवरेज रेट निकालना है तो रेट आपका क्या बन जाएगा, एक्स बनेगा और ये आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी। अब हार्मोनिक मीन निकालोगे, पहले सम करोगे 380 डिवाइडेड बाय 100/40, 200/50 और 80/20। तो 300 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो वैसे, 2.5 4+4 8, 300/10.5, ये सिंपल सा था तो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर दिया। 300 डिवाइड बाय 10.5, ये मेरा आता है 28.57। तो जो मेरा एवरेज रेट पड़ा वो पड़ा 28.57 रुपए पर लीटर, ये मेरा एवरेज रेट। तो ये एप्लीकेशन जरूरी नहीं है कि आपकी स्पीड के केस में ही लगती है, आप कहीं पर भी इस एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। स्पीड एक कॉमन है जिसपे जनरली ये पूछा जाता है, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ और भी पूछ लिया गया जैसे रुपीज लीटर दे दिया, रुपीज केजी दे दिया, तो वहां भी आप बड़े सिंपल मैनर में विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड विदाउट एनी ट्रबल इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वॉज द एप्लीकेशन दैट वेयर वी हैव टू अप्लाई द अर्थमेटिक मीन एंड वेयर वी हैव टू अप्लाई द हार्मोनिक मीन। फटाफट इसे नोट करिए फास्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जायकेदार और मजेदार टॉपिक अब आपके सामने आने वाला है, विच इज द ज्योमेट्रिक मीन। बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा और एक कैलकुलेटर का कैसे प्रयोग हम भरपूर मात्रा में कर सकते हैं वो भी आपको इस टॉपिक में पता लगेगा। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज सुननी और समझनी है। आइए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 × x2 × x3 × x4, जितने भी हैं भाई सब मल्टीप्लाई हो जाओ डिवाइड बाय, सॉरी पावर 1/n। क्या है ये, ध्यान से देखिए।
सपोज आपके पास सीरीज एक्स है 3, 2, 5, 6, 7 और आपको बोला गया फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, तो आपने कुछ नहीं करना, 3 × 2 × 5 × 6 × 7 की पावर 1/5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब ध्यान से देखिए 3 × 2 × 5 × 6 × 7 ये आया 1260 की पावर 1/5 आ गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा सर, बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसके ऊपर, ध्यान से देखिए, एक तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए कोई भी आपके पास पावर है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है आपके पास, आप रूट प्रेस करेंगे 12 times, नंबर लिख के रूट को आपको प्रेस करना है कितनी बार, 12 बार। ध्यान से देखिए 1260 मैंने ये लिख लिया है 1260। आप कैलकुलेटर में देखेंगे आपको रूट दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटा, इस रूट को आप 12 बार प्रेस करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कर लिया 12 बार प्रेस। बस मैंने अभी कैलकुलेटर नीचे रख देता हूं ताकि आपके लिए मैं दूसरा स्टेप रख सकूं। स्टेप टू में क्या करना है मिस सर, बेटा स्टेप टू के अंदर आप जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें से -1 कर दीजिए। मतलब सर, बेटा ये आया ना, इस यही था आपका, इसमें मैंने किया -1 = 2, जो भी आ रहा है स्क्रीन की तरफ मत देखो, घबराहट होगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, क्या क्या आ रहा है मत देखो, आराम से रिलैक्स, -1 कर दिया, हो गया, मैं नीचे रख दिया इसे। फिर सर स्टेप थ्री क्या करना है बेटा, स्टेप थ्री में आपको करना है डिवाइड फ्रॉम पावर, डिवाइड फ्रॉम पावर सर मतलब आपको इसको 1/5 है ना, तो डिवाइड बाय आपको करना है 5, डिवाइड बाय 5 आपने किया तो ये आपके पास आ गया। अगर यहां 1/7 होता तो डिवाइड बाय क्या कर देते, 7, तो जो भी पावर है उसे डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बेटा स्टेप 4 जो की है उसके अंदर आपको करना है +1, एक ऐड कर दीजिए, +1 = 2, बात समझ में आई, +1 उसके बाद आपने कर दिया। और अब आपको क्या करना है सर, स्टेप 5 के अंदर अब आपको करना है बेटा कि आप into = 2 मल्टीप्लाई और 12 = 2 के साइन 12 बार प्रेस करेंगे। किस तरीके से सर, ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, मल्टीप्लाई और इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मेरा आंसर आ चुका है 4.17, तो इसका आंसर आपका आएगा 4.17। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, स्टेप ध्यान से देखिए, सब कुछ जीरो हो गया, ध्यान से देखो 1260 की पावर 1/5 निकालनी थी हमको, 1260 फटाफट मेरे साथ करो, रूट कितनी बार, 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब -1 जो भी आ रहा है, फिर डिवाइड फ्रॉम पावर क्या थी, 5 जो भी आ रहा है, फिर +1 जो भी आ रहा है, और फिर into = 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपके पास आ गया 4.17, ठीक है जी, ये आपने आंसर लिख दिया। चलो सर एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जितने कहोगे उतने करवाएंगे। आई एक और क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, चलिए मैंने आपको यहां पे दिया x 3, 9, 8, 7, 4, 9 या 2, ठीक है। चलो अब इसको निकालते हैं, कैसे करेंगे बताओ, 3 × 9 × 8 × 7 × 4 × 2 की पावर 1/6 यहां पर,
चलिए सॉल्व करें मेरे साथ साथ करो फटाफट. 3 × 9 × 8 × 7 × 4 × 2 जो भी आया 12096. क्या करना है, रूट 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है. माइनस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस जो भी आ रहा है. अब इनटू इक्वल टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये भी आपका आ रहा है कितना 4.79. आंसर इज 4.79. सर हमें इसकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो रहा है, जो आप पढ़ा रहे हो वो ठीक है या नहीं, ये शॉर्टकट. चलिए अब ये तो डिजिट ही ऐसी हम निकाल ही नहीं सकते, जो आप बोल रहे हो सही है. चलो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं. 27 की पावर 1/3, आपको बहुत अच्छे से पता है 3 की पावर 3 1/3 क्या होगा, आंसर 3. अगर मैं इसे कैलकुलेटर पे प्रूफ कर दूं कि 27 की पावर 1/3 3 आ रहा है तो मान जाओगे मेरे शॉर्टकट को, बोलो हाँ पहले, हाँ बोल रहे हो, हाँ फिर ठीक है. अब ध्यान से 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 ये आ गया आपका. अब इनटू इक्वल टू कितनी बार 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखो कितना आ रहा है, 3.00 दिख रहा है आपको. तो ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बड़ी जगह आपके काम आएगा, इसको बड़े एकदम मगअप कर लो लाइफ में, ये बहुत जगह आपको काम आएगा शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया है. चलिए ये था इंडिविजुअल सीरीज, अब मैं आपको सिखाता हूं डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में बच्चे कुछ भी नया नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया सीखने को उसके अंदर मिल जाएगा. सेम फॉर्मूला है, सेम मेथड है डिस्क्रीट सीरीज, बस हल्का सा बड़ा माइनर सा चेंज डिस्क्रीट सीरीज के केस में आपको देखने को मिलेगा. एक्स वन की पावर एफ वन, एक्स टू की पावर एफ टू, एक्स थ्री की पावर एफ थ्री, एक्स एन की पावर एफ एन, वन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ. अब ये क्या है, आइए जरा समझते हैं एक एग्जांपल से. एक्स एफ 2 3 4 5 1 2 5 4 ये मैंने लिखा. अब कैसे लिखेंगे देखो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 5, 5 की पावर 4, 8 और 4 12 तो 1/12. अब ध्यान से देखिए, 2 × 9 4 की पावर 5, 4 इंटू स्क्वायर क्यूब 4, 5 1024, 5 की पावर 4, 2 3 4 625, 1/12 2 3 4 5. नाउ 2 × 9 × 1024 × 625 बाप रे बहुत बड़ी टर्म आ रही है. अब इसका 1/12 हमें निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 ये आया. अब इनटू इक्वल टू 12 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर आ गया आपका 3.88. तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने निकाला, इसमें कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ पावर बन गई एफ और एंड में 1/σf आ गया. मैं एक बार आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, कुछ गड़बड़ ना हो रही हो. 2 × 9 × 1024 × 625 हाँ ठीक है फिर. तो नाउ तो आपको समझ में आया किस तरीके से निकालना है. सर डिस्क्रीट सीरीज हो गई, कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, बेटा एकदम सेम है, कुछ इसके अंदर नया थोड़ी ना. कंटिन्यूस सीरीज में आपको पता है जब भी मीन निकालना हो, जैसे यहां क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, फ्रीक्वेंसी है 2 3 1 2 तो आप मिड पॉइंट निकाल लो 5 15 25 35. अब आप देखो
एफ एक्स है, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज, तो इसे सेपरेटली देखने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो या ज्योमेट्रिक मीन हो, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज आ गया तो कंटिन्यूस सीरीज में कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ आपको एक एक्स निकालना होता है मिड पॉइंट, उसके बाद सेम होता है एज डिस्क्रीट सीरीज। तो फटाफट एक बार ये सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की, ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पहली प्रॉपर्टी तो सेम है, इफ ऑल द वैल्यूज आर, अरे भाई अब तो रट गया होगा, बोलो, इफ ऑल द वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट के, ज्योमेट्रिक मीन विल ऑल्सो बी के। गुड, जैसे अगर 3 3 3 3 3 है तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा बेटा, 3। ठीक है, चलो अब मैं सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दूं, ध्यान से देखिए, सिंपल है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है। अगर दो सीरीज आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज आपके पास एक सीरीज x थी और एक सीरीज y थी, ठीक है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा दैट विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू में ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अब क्या है ये, जरा ध्यान से समझिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सीरीज x है हमारे पास, ठीक है, सीरीज x में मैंने लिया 3 9 1, एक सीरीज y मैंने ले ली, सीरीज y में हमारे पास सपोज है 8 4 2। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x निकालते हैं, 3 × 9 × 1 27 की पावर 1/3 या 3। ऐसे आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y निकालो, 8 × 4 × 2 पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 या आपका 4। ठीक है, अब आप एक्स वाई को इंटू करो एक बार, 24 36 2, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई निकालो, 24 × 36 × 2 की पावर 1/3, तो 24 × 36 × 2 1728। ठीक है बेटा, 1728 पावर 1/3, और आप चेक करोगे तो ये आएगा 12। अगर आप 12 की क्यूब कर दें इफ यू विल मेक द 12 क्यूब 1/3 तो ये आ गया आपका 12। नाउ यू कैन सी कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई आया विच इज 12, दिस इज नथिंग बट दिस मल्टीपल ऑफ 3 × 4। आप देखिए वही आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है आपके पास, सिंपल सा कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इज 5, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई इज 8, व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई, सो यू हैव टू डू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये क्या होगा आपसे उसने पूछा, तो सिंपल द आंसर इज द मल्टीपल ऑफ बोथ, द आंसर विल बी व्हाट, 40। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, फटाफट इसको एक बार आप नोट करिए फास्ट।